उत्तर प्रदेश के जो शुरुआती रुझान आए वो नतीजों में जब तब्दील हुए तो उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में झूम उठे और फिलहाल किन्नर समाज के लोग भी बीजेपी के इस प्रदेश मुख्यालय पे पहुंचे जी। तो किन्नर समाज के लोग भी पहुंचे हैं और उन्हीं में से जो योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं वो भी जो है शामिल है, उनके साथ में उनके समाज के लोग भी हैं। ये बताइए क्या किन्नर समाज के लोग भी आप लोगों के साथ में मतदान? पूरे 5 लाख किन्नर ने एक तरफा योगी जी को दिए। अखिलेश जी ने एक किन्नर को पैसा दे के बनाए अध्यक्ष, हमें फोन की हम गए नहीं। योगी जी ने बोले जो आपको मंत्री बनाएंगे, उन्होंने जो कहे वो कर दिए और अभी राज्यसभा में भी किन्नर को भेजेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के किन्नर हमारे हीना जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी किन्नर समाज उत्तर प्रदेश में एक तरफा योगी जी को दिए और 22 भी हमारा, 27 भी हमारा। क्या नाम है आपका? सुश्री सोनम किन्नर, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सोनम जी हमारे साथ में, लेकिन उनके साथ में देखिए उनके समाज के लोग भी है। तो प्रदेश भर में आप ये कह रहे हैं कि सोनम जी प्रदेश भर में आप कह रहे हैं कि किन्नर समाज के लोगों ने जो बीजेपी के पक्ष में मतदान किया? जो किन्नर हमारे साथ है उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफा किन्नर समाज को वोट दिए हैं, एक तरफा वोट दिए हैं। तो देखिए ये किन्नर समाज के लोग हैं, इनका ये कहना है कि योगी सरकार ने किन्नर समाज को सम्मान दिया है, राज्य मंत्री बनाया और इस वजह से प्रदेश में जो 5 लाख किन्नर, उनका दावा है कि उन्होंने बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। तो ये भी एक फैक्टर जिसको जो है हम जो अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि किस तबके ने किसको जो है किसका समर्थन किया है, किसको मतदान किया है। तो किन्नर समाज की तरफ से जो यहाँ पर सोनम जी हैं, जिनका ये कहना है कि क्योंकि योगी सरकार में उनको सम्मान मिला, उनके समाज को सम्मान मिला, लिहाजा उनके समाज ने भी बड़े जो है एक बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में किया मतदान। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, ABP News, लखनऊ।